अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन है 364 ब्लैंक 284 251 220 राइट, इतना सही है। ऑप्शन है आपके पास 321 320 319 318 और 322। देखो सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल नियर बाय है राइट, तो आपको बहुत ही सावधानी से यहां पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करोगे 364, 284, 251, 220, यानी कि डिक्रीज हो रहे हैं नंबर और डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, तो यानी कि सिंपल सीरीज होएगी। तो डिफरेंस के ऊपर अगर हम काम करेंगे, यहां से यहां तक नहीं पता, यहां से यहां तक भी नहीं पता, बट यहां से यहां तक अगर मैं डिफरेंस को चेक करता हूँ 284 और 251 में कितने का डिफरेंस है, 4 और 1 3 और 8 और 5 3, 33 का अंतर है, यानी कि -33 हो रहा है भाई यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ 350, 251 और 220 में कितना हो रहा है अभी, -31 माइनस हो जाएगा 31 राइट है, कि 251 में 31 को माइनस करूँ कितना हो जाएगा 220। क्लियर है? अब दिमाग में आते हैं कि भाई 31 है 33 है, क्या यहाँ पर 35 होगा, क्या यहाँ पर 37 होगा, क्योंकि भाई माइंड में चलती हैं चीज़ें, 31 है 33 है 35 है 37, बिल्कुल पैटर्न यही बैठ रहा है। बट अगर मैं चेक करूँगा 364 में से अगर मैं 37 को माइनस करता हूँ तो 14 में से 7 जाएगा, 7 लास्ट में आएगा और किसी भी ऑप्शन के लास्ट में 7 नहीं है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि 31 के बाद 33 है और 33 के बाद फिर यहाँ पर 35 नहीं होगा। बट बात तो ये श्योर है कि 31 है 33 है तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर मैं नेगेटिव के साइन को 1% के लिए छोड़ दूं तो नंबर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं कि यहाँ पर 31 है यहाँ पर 33 है तो यहाँ पर 35 होना चाहिए। अब आप चेक कर सकते हो कि 31 और 33 में 2 का अंतर है, तो अगली चीज़ आपके माइंड में क्या आएगी भाई, हो सकता है कि 31 अगर यहाँ है 33 अगर यहाँ है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, तो अगला डिफरेंस 4 का पॉसिबल हो सकता है राइट, अगला डिफरेंस 4 का पॉसिबल हो सकता है। अगर अगला डिफरेंस 4 का पॉसिबल है तो 37 होना चाहिए, 31 33 2 का अंतर, 33 37 4 का अंतर, अगर 2 है 4 है तो डेफिनेटली अगला या तो 8 होगा या तो 6 होगा, पर हमारी पहली प्रायोरिटी 6 रहेगी क्योंकि इवन नंबर की सीरीज हो सकती है। तो 2 4 अगर 6 की मैं बात करूंगा तो कितना होना चाहिए, -43 भाई, 2 फिर 2 चार जोड़ूंगा, 33 में 4 जोड़ा 37 में 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 43। अब अगर मैं चेक करूं क्या 364 में से 43 को माइनस करके मेरे किसी ऑप्शन के साथ मैचिंग हो रही है इसकी, देखूंगा 4 में से 3 जाएगा 1, 36 में से 4 जाएगा 32, तो कितना आ गया 321। क्या 321 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी। अगला भी चेक कर सकते हैं, 11 में से 7 जाएगा 4 आ जाएगा, 31 में से 3 जाएगा 28 आ जाएगा, तो यानी कि बिल्कुल मैच कर गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 321। क्लियर है बात? तो ये सीरीज भी पॉसिबल हो सकती है कि यहां पर दो दो का डिफरेंस चल रहा हो बट एक्चुअली में ना हो। क्लियर? एक और सवाल देखते हैं। जैसे है एक और सवाल 258 194 210 फिर आएगा 206 राइट है, और लास्ट में ब्लैंक है भी, यानी कि आपको बताना है एंड में क्या नंबर आना चाहिए। ऑप्शन है 207 206 200 198 और है 205 राइट। अब डेफिनेटली 2 से 258 आपको लगेगा कि भी बहुत ही बड़े नंबर से मल्टीप्लिकेशन है, बट अगर ध्यान से देखोगे अगले नंबरों को तो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कम है, 194 हुआ फिर 210 हुआ फिर 2, यानी कि देखो पहले इंक्रीज हो रहा फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, डेफिनेटली अगला क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको वैसे ही नज़र आ जाएगा कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, या तो 207 होगा या 205। देखो 205 की तो पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, क्यों नहीं बन रही, अगर आप देखोगे इंक्रीमेंट हो रहा पहले फिर डिक्रीमेंट हो रहा है
फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पक्का अगला क्या होएगा? इंक्रीमेंट होएगा। तो 206 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, वो है 207, तो आपका आंसर इसमें यही बनेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ये भी ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ऑप्शंस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही पैटर्न बन रहा है क्या, क्या यही आंसर है? अगर मैं चेक करूंगा 2 से 258 कितना हो जाएगा, अभी 256 का अंतर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो कितने का अंतर है, 58 और 6 यानी कि 64 का अंतर है। यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ 6 और 10 यानी कि 16 का अंतर है, और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ 6 और 10 यानी कि 4 का अंतर है। इधर भी कुछ होना चाहिए, 256, 16, 64 और 4 अगर मैं चेक करूंगा तो 256 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, वो क्या होता है? 16 का स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे 16 का आधा 8 हो रहा है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा कितना होता है भाई? 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा इसमें। भाई देखो एडिशन चल रहा है ना, 258 में 64 को जोड़ा, फिर यहां से इसको फिर यहां पर ऐड कर रहा हूं, फिर यहां पर इसको ऐड कर रहा हूं, राइट है? तो 206 में 1 को ऐड करूंगा तो डेफिनेटली कितना बनेगा, 207 ही आ रहा है। देखो क्लियर है बात सभी को? हाँ जी भाई, डन हुआ ये भी इस क्वेश्चन का पैटर्न, क्लियर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1500, 1790, 1697 और blank, क्लियर। ऑप्शन है आपके 45, 46, 40, 44 और none of these, NOT। क्या करेंगे भाई? अगेन देखो सीरीज डिक्रीज हो रही है, और वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, यानी कि अगेन हम लोग यहाँ पर भी डिफरेंस के ऊपर काम करेंगे। अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ तो सबसे पहले कितने का कम हो रहा है भाई, यहां पर कितना कम हो रहा है? 150। यहां पर अगर चेक करता हूं तो कितना कम हो जाएगा भाई, इधर यहां पे 150 का अंतर है, यहां पर कितने का हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8, इधर आ जाएगा 5, और यहां पर आ जाएगा भाई आपका 1, 158। अगला अगर मैं चेक करता हूं तो कितने का अंतर आ जाएगा भाई, यहां से 5 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8, और यहां पर हो जाएगा 1, 185। फिर आगे अगर मैं चेक करता हूं तो कितने का हो जाएगा भाई, यहां से 7 और 7, 0, और इधर आ गया 31 यानी कि 310। डन है बात? अब यहां से डिफरेंस तो हम लोग निकाल दिए, बट क्या डिफरेंस से हमारा आंसर सॉल्व हो रहा है भाई? कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, बट है तो डिफरेंस के ऊपर ही काम, तो क्यों ना एक और डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं, क्या पता हमारी कुछ बात बन जाए। यहां पे अगर चेक करता हूं तो कितने का अंतर है? 8 का। यहां पर अगर चेक करता हूं तो कितने का अंतर है? 15 में से 8 जाएगा 7, और इधर आ जाएगा आपका 27 का। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई इधर आपका? देखो ज़रा, यहाँ पर बनना चाहिए आपका 5 और 12 यानी कि 125। क्लियर है बात? तो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं, 8 है, 27 है, 125 है, यानी कि क्यूब चल रहा है। किसका क्यूब है 8 भाई? 2 का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। अब आप बोलोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, अगला नंबर क्या होना चाहिए भाई? 2 और 3 में तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, बट अगर आपको मालूम है कि प्राइम नंबर भी कुछ होते हैं तो आप बोलोगे 2 के बाद 3 आता है, 3 का अगला प्राइम नंबर 5 होता है, 5 का अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 7 होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसका क्यूब आना चाहिए भाई? 7 का क्यूब। कितना होता है भाई 7 का क्यूब? 343। क्या हो रहा है भाई? देखो 150 में 8 जुड़ रहा है, 158 में 27 को ऐड किया जा रहा है, 185 में 125 को ऐड किया जा रहा है, तो 310 में 343 भी क्या होगा? ऐड होगा। कितना आ जाएगा भाई इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 653, राइट है?
कितना आएगा 653। बट यहां पर तो नीचे एडिशन हो रही है, बट अगर मैं ऊपर चेक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, यानी कि माइनस हो रही है चीजें। 1500 में से 150 को माइनस कर रहा हूं, 1350 में से 158 को माइनस कर रहा हूं, फिर माइनस, तो 697 में से भी 653 को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर देता हूं, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 44 इज द आंसर। क्लियर होगी है बात सभी को? तो सिंपल है, ऊपर डिफरेंस में यानी कि ऊपर माइनस हो रहा है और नीचे प्लस हो रहा है और क्यूब भी चल रहा है। क्लियर हो गया सभी को? डन, अगले पैटर्न पे आते हैं। अगर अगला मैं नंबर देखता हूं तो क्या दिख रहा है भाई, 18, 38, 118, 480 और ऑप्शन है आपके पास 2400, 2500, 3440, 2416 और है 2420। अब 18 है, 38 है, 118 है, 480 और ऑप्शन देखो सारे फिर हजारों की रेंज में हैं, तो डेफिनेटली डिफरेंस तो नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि इतने बड़े नंबर का डिफरेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन। बट मल्टीप्लिकेशन क्या डायरेक्ट है? नहीं है डायरेक्ट। डायरेक्ट होती तो नजर आ जाता कि 18 और 38 में कोई लिंकअप तो है नहीं, 38 और 118 में भी कोई लिंकअप नहीं है, इसमें भी कोई लिंक नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। बट मल्टीप्लिकेशन तो दिख रही है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ और भी है, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, चेक कर लेते हैं। तो इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने का सबसे सिंपलेस्ट वे क्या होता है, आपको लास्ट टाइम बताना है। इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप शुरुआत से ना देखकर कहां पर देखोगे, एंड में देखोगे, सबसे लास्ट में चेक कर लो, या तो इन दोनों को उठा लो या इन दोनों को उठा लो, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैंने 118 और 480 को उठा लिया। अगर मैं 118 और 480 की बात करता हूं तो मेरे सामने क्या पैटर्न दिख रहा है भाई, 118 को 480 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 118 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा भाई, 472। तो 472 से 80 बनाना है तो कितना ऐड करूंगा भाई, 8 ऐड करूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 हो रहा है यहां पे। क्लियर है बात सभी को? डन। अब इधर 4 है, पीछे नंबर छोटा है, तो डेफिनेटली छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 38 से 118 पहुंचाने के लिए कितने का मल्टीप्लीकेशन होएगा भाई, 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 38 गुना 3 कितना होता है भाई आपका 90, 90 और 24 कितना हो गया 114, 114 से 118 बनाना है तो कितना जोड़ूंगा भाई, 4 जोड़ूंगा यहाँ पे, राइट, गुना 4 प्लस 8 गुना 3 प्लस 4, तो 4 है 3 है, तो यहां पर पक्का कितना होना चाहिए भाई, 2 होना चाहिए। तो 2 से कैसे होगा, 18 गुना 2 36, 38 बनाना तो कितना जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा। तो सीरीज समझ में आ गई होगी, गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 4 प्लस 8, डेफिनेटली क्या पैटर्न चल रहा है समझ में आ गया होगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इंटू क्या होगा 5, 2 4 8 आ गया, देखो 6 नहीं आया है, तो यानी कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल क्या होगा 16, तो 480 गुना 5 कितना होता है 2400, 2400 में 16 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 2416, क्या हमारे ऑप्शन में है, हाँ जी भाई लास्ट ऑप्शन है, कितना आंसर आ गया 2416, यानी कि 2416 विल बी द आंसर। क्लियर है बात सभी को? तो अगर आपको लगे कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो सीरीज को हमेशा एंड से स्टार्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ और पैटर्न भी फॉलो हो रहा हो। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नंबर लिया 1 8 33 240 और ब्लैंक। क्लियर है? अब अगेन क्लियरली दिख रहा है कि है तो मल्टीप्लीकेशन ही, ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास, 2159, 2169, 2100, 2139,
2149 राइट है। अब अगर मैं चेक करना चाहूं कि हाँ भाई यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, भाई है तो मल्टीप्लिकेशन ही, पर मल्टीप्लिकेशन क्या डायरेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे होएगा? चेक करना पड़ेगा। भाई चेक कर लेते हैं 33 से 240 तक पहुंच के, कर लेते हैं 33 को यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करके चेक करूंगा भाई, 33 गुना 7 देख लेते हैं। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 33 गुना 7 कितना हो जाएगा? 21 और 2 231 हो गया भाई। पर 240 चाहिए है तो कितना जोड़ना पड़ रहा है? 9 जोड़ना पड़ रहा है तो कितना आ रहा है भाई? 240। क्लियर है? 33 गुना 7 कितना हो गया? 231 और प्लस 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 240 आएगा। अब सेम बात है भाई, प्रीवियस वाला पैटर्न है, इसके अगले वाला पैटर्न है। अब चेक करना है कि 7 है तो यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 6 चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 6 होना चाहिए, तो अगर 6 होता तो 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना बन रहा है भाई? 48। तो 33 बनाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ रहा है यहाँ पर, राइट है? 33 बनाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा भाई? 7 और 8 15, राइट। अगर फिर चेक करता हूं कि यहां पर 6 है, इधर 5 होना चाहिए, तो यानी कि 1 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 और 8 बनाने के लिए प्लस 3, तो 3 15 और 9 का तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पिछला नंबर है वो 7 से नहीं होगा। चेक कर लेते हैं 7 की जगह क्या मैं करूं, 8 को कितने से मल्टीप्लाई भाई? 5 से मल्टीप्लाई करें। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है भाई? 40। मुझे कितना चाहिए है? 33 चाहिए है। तो कैसे आएगा 33 भाई? 7 माइनस करके आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो 7 माइनस करके लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 33। अब 7 है 5 है तो डेफिनेटली इसका पिछला क्या बनेगा? ऑड नंबर का पैटर्न है, 3 हो सकता है। तो अगर मैं 3 को चेक करता हूँ कि 1 को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है 3। 8 बनाने के लिए कितना जोड़ूंगा भाई? 5। कितना आ गया? 8। उम्मीद है अब आपको पैटर्न नज़र आ गया होगा कि मल्टीप्लाई बाई 3 है, 5 है, 7 है, और प्लस में 5 है, माइनस 7 है, यानी कि यहाँ पर ऑड पैटर्न चल रहा है और इधर भी ऑड पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है और यहाँ पर ऑल्टरनेट चल रहा है। तो यानी कि 240 अगला नंबर डेफिनेटली क्या, ऊपर के दो ऑप्शन में हटा देता हूँ एक बार, तो 240 अगला नंबर कितना होना चाहिए? 3 5 7। अगला क्या बनेगा? 9। 24 गुना 9 कितना होता है? 216, यानी कि 2160। प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस प्लस, तो अगला क्या बनेगा भाई? माइनस होना चाहिए। कितना? 5 7 9 के बाद अगला नंबर क्या होता है? 11। 2160 में से 11 माइनस करूंगा कितना होएगा भाई? 2149, यानी कि लास्ट ऑप्शन रहेगा भाई आपका। क्लियर है जी बात सभी को? तो ध्यान रखिएगा पैटर्न भाई, हमको हर एक चीज चेक करनी पड़ेगी। थोड़ा टिपिकल पैटर्न है, बिल्कुल आ सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर हो गया सभी को? राइट, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका 4 11 39 204 ब्लैंक 15855, राइट। ऑप्शन है 1440 1380 1280 1400 और NOT। क्लियर? अब फिर चेक करते हैं, डेफिनेटली भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और बिल्कुल बहुत ही बड़ा नंबर आया है, और यानी कि हम लोग यहाँ पर फिर से डिफरेंस के ऊपर काम नहीं कर सकते। है तो मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं भाई। 4 11 है, 11 39 है, 39 204 है, फिर आगे भी होगा तो 39 से 204 तक पहुँच लेते हैं। कैसे पहुँचेंगे 39 से 204 तक भाई? क्यों ना मैं करूँ 39 को कितने से मल्टीप्लाई भाई? 5 से। देखें, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनता है भाई? 39 × 5 9 5 = 45 54, यानी कि 195। पर मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है? 204 की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल नियर बाई नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना कि ताकि मैं बिल्कुल क्लोज पहुंचूं इसके, तो 195 204 चाहिए है, तो कितना जोड़ूंगा भाई इसमें? 5 और 4 9 जोड़ूंगा तो मुझे तब मिलेगा जाकर 204।
भाई पैटर्न पॉसिबल हो सकता है बट अभी श्योर नहीं है क्योंकि पिछले वाले को भी चेक करना पड़ेगा मुझे। अब अगर मैं पिछले वाला चेक कर दूं यहां पर प्लस हो रहा है तो हो सकता है पिछले वाला भी माइनस की तरह काम करे, माइनस हो, बट अगर पांच है तो अगर मैं पिछले वाले को चेक कर दूं तो 11 गुना अगर 4 होता फॉर एग्जाम्पल तो 11 गुना 4 कितना हो गया 44, 39 चाहिए तो कितना माइनस करना पड़ेगा भाई 5 माइनस करके कितना आएगा 39, बट अगर मैं इसको 4 से करूंगा तो इसके पिछले वाले को 3 से करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 से करूंगा 4 3 कितना 12, 12 और 1 11, 1 का अंतर आ गया राइट है। तो चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई अगर यहां पर 4 है यहां पर 5 है तो यहां पर कितना होना चाहिए 3, 4 3 कितना हो गया 12, 11 चाहिए तो कितना माइनस करना पड़ेगा 1। देखो लॉजिकली गलत होगी ना बात, प्लस हो गया माइनस हो गया तो उधर क्या होना चाहिए था प्लस, क्योंकि ऑल्टरनेट की सीरीज चलनी चाहिए थी, इसका मतलब हमारा ये वाला स्टेप सही नहीं बैठा। क्लियर है बात? तो 39 गुना 5 तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा 11 गुना कितने से भाई 5, फिर इसका ऑड नंबर चेक करूंगा कि 3 से मल्टीप्लाई होके काम बन रहा है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 33, 39 अगर चाहिए है तो कितना जोड़ना पड़ रहा है भाई 6, तो 33 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 39। अब 5 है 3 है तो पक्का अगले वाला क्या होएगा भाई, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, चेक कर लेते हैं 4 गुना 1 राइट है, 4 गुना 1 अगर 4 गुना 1 करता हूं तो कितना आएगा 4, 11 अगर चाहिए है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 7। देखो फिर पैटर्न मिसमैच हो रहा है, 9 है 6 है तो ऊपर क्या बन रहा है 7, नहीं बनेगी बात भाई, तो इसका मतलब 5 से पहले वाला नंबर 3 होता है। अब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि भाई हो सकता है कि ये प्राइम नंबर हो, 5 के पहले वाला प्राइम नंबर 3 होता है, 3 से पहले वाला प्राइम नंबर कितना होता है 2 होता है, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 8 और 11 मुझे चाहिए तो कितना जोड़ूंगा 3, कितना आएगा 11। उम्मीद है पैटर्न समझ में आ गया होगा कि 2 3 5 फिर दोबारा प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, पर 3 6 9 डेफिनेटली 204 को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 3 5 का अगला प्राइम नंबर क्या होता है 7 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1428 3 6 9, तो अगला क्या बनेगा भाई 12, 1428 में 12 जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए 1440। क्लियर है बात सभी को? डन। तो पैटर्न आपको जितने माइंड में ज्यादा पैटर्न्स रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है भाई 25, 13, 14.5, 24.25 और blank। ऑप्शन है 50, 51, 55, 60 और 52। 25 है 13 है, देखो पहला नंबर छोटा हुआ फिर बढ़ते क्रम में जा रहा है, जब भी ऐसा सीन बने कि एक नंबर का अगला नंबर छोटा है और बाकी सारे नंबर बड़े हैं तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो भी 1 से छोटे नंबर से, और 1 से छोटा नंबर क्या होता है हाफ होता है, हाफ का मतलब 0.5, तो यानी कि मैं क्या करूंगा 25 गुना 0.5 अगर करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है भाई 12.5। 25 का आधा 12.5 होता, 13 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ रहा है भाई 0.5, कितना आ गया 13। क्लियर है? अब 13 से 14.5 चाहिए है तो फिर दोबारा 13 × 0.5 का अगला नंबर क्या होगा 1, तो 1 होगा 13 × 1 = 13, 14.5 चाहिए तो कितना जोड़ूंगा 1.5, कितना आएगा 14.5। क्लियर है बात सभी को? अगला क्या रहेगा भाई 14.5 गुना 0.5 है 1 है तो अगला क्या बनेगा 1.5। क्लियर है? अब 1.5 आएगा तो इसको कैसे करेंगे भाई 14.5 गुना 15, 14 को 5 से करूंगा भाई 14 का डेढ़ गुना कितना हो जाएगा 21 और 0.75, यानी कि 21.75 राइट, 0.5 है 1.5 है तो पक्का अगला क्या बनेगा 2.5 बनेगा, तो 21.75 में 2.5 को जोड़ूंगा कितना बनना चाहिए भाई 23 और 0.25, यानी कि बनेगा 24.25। देखो क्या चल रहा है 0.5 1 1.5, तो अगला पक्का 24.25 गुना 2
राइट है, तो 24 48 यानी कि 48.5 हो गया। फाइनली लास्ट में क्या होगा, 0.5 1.5 2.5, तो एंड में कितना बनेगा भाई 3.5। 48.5 में 60 दिन जोड़ूंगा, 48 और 3 51 और आधा आधा जोड़ूंगा 1, यानी कि कितना आ गया 52 है हमारे ऑप्शन में, बिल्कुल है। क्लियर है बात सभी को? ये वाली जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, हो सकता है कि आगे भी आ जाए। क्लियर है? डेसिमल ध्यान रखिएगा, पहले नंबर का अगला नंबर अगर छोटा होता है और बाकी नंबर सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपका ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, बट किससे मल्टीप्लाई होगा, एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, पर मोस्ट प्रोबेबली हाफ ही होता है यहाँ पे। क्लियर है बात सभी को? डन, राइट। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं रॉन्ग वन आउट की अगर मैं बात करूं तो रॉन्ग वन आउट से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपकी अगली कुछ सीरीज कर लेते हैं रॉन्ग नंबर वाली। जैसे एग्जांपल लिया 6 4 10.25 22 60.5 और 185, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर गलत है, यानी कि फाइंड द रॉन्ग वन आउट। ऑप्शन है आपके पास 6 5 10.25 22 60.5, राइट। अगेन देखो वही बात आ गई, 6 का अगला नंबर छोटा है, बाकी सारे नंबर देखो बढ़ते क्रम में हैं, तो पक्का 6 को 4 तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाई किया होगा एक से छोटे नंबर से, और एक से छोटा नंबर क्लियरली हाफ के ऊपर इशारा करता है, तो अगर मैं हाफ चेक करता हूं तो ये होगा भाई 6 × 0.5, कितना भाई 3 4 बनाने के लिए कितना जोड़ा पड़ा 1। क्लियर है? चेक करेंगे भाई, 4 से 5.5 पहुंचना है तो 4 × 1 4 5.5 कैसे होएगा 0.1.5, यानी कि कितना हो गया 5.5। क्लियर है? आगे चेक करता हूं 5.5 × 1.5 कितना हो जाएगा भाई यहां पे, ये आपका 5.5 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 7.8.25 हो जाएगा भाई। 5.5 को 1.5 से गुना करूंगा तो 8.25, कितना जोड़ना है 1 1.5, तो आगे कितना जोड़ूंगा 2 जोड़ूंगा, पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तो कितना आएगा 10.25। क्लियर है? अब नेक्स्ट चेक करता हूं तो 10.25 0.51 1.5, तो कितना हो गया 2 10 और 20, यानी कि यहां पर आएगा 20.5 प्लस 1 1.5 2, तो अगला क्या होना चाहिए भाई 2.5 होना चाहिए, तो 20.5 में अगर 2.5 ऐड करता हूं तो कितना होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए यहां पर 23, बट कितना है यहां पर 22। इसका मतलब इस 22 की जगह पे एक्चुअली में नंबर कितना होना चाहिए था, 23 होना चाहिए था, तो कौन सा नंबर गलत है भाई, 22 गलत है। क्लियर होगी बात सभी को, क्या नंबर गलत हो जाएगा 22। क्लियर है? 0.5 + 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5। क्लियर है बात? डन। अगला एक और सवाल देखते हैं। रॉन्ग वन कभी भी टिपिकल नहीं होती है, बस हम लोग घबरा जाते हैं कि हाँ भाई कैसे होगा कैसे होगा, बस कोई भी रैंडम नंबर पिक कर लीजिए, उसके ऊपर काम करोगे आसान हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल है 1750 1298 680 5554 490 और 463। क्लियर है? ऑप्शन है आपके पास 1750 है, 895 है, 680 है, 490 है और 463 है। क्लियरली देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है,
तो पक्का डिफरेंस के ऊपर काम हो रहा है, तो क्यों ना डिफरेंस निकाल के चेक कर लिया जाए, देखें कौन सा नंबर फॉलो नहीं कर रहा है डिफरेंस को। अगर मैं यहाँ पर चेक कर दूँ 1750 और 1238 में कितने का अंतर है, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा भाई आपका 1 और इधर हो जाएगा 5, 512। 512 का नंबर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि पक्का यहाँ पर क्यूब चल रहा है, तो ये कितने का क्यूब है, 8 का क्यूब है, राइट। एक और नंबर चेक कर लेते हैं, इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, 343। देखो बात बनती आ रही है, 8 का क्यूब तो अगला कितने का क्यूब है, 7 का क्यूब है। फिर एक और चेक करता हूँ मैं यहाँ पर, इधर आएगा भाई 5, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 2, तो यानी कि यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्यों, यहाँ पर 8 का क्यूब है, यहाँ पर 7 का क्यूब है, तो यहाँ पर कितने का क्यूब होना चाहिए, 6 का क्यूब होना चाहिए। भाई ये वाला नंबर गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमें लगता है कि ये नंबर गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो सही है, 1238 में 343 को जोड़ रहा हूँ तो 800 माइनस कर रहा हूं तो 895 बन रहा है, बट ये नंबर सही है, इसके बाद वाला नंबर गलत होगा। कैसे, कि 895 में से कायदे से कितना माइनस होना चाहिए भाई, 216 माइनस होना चाहिए, पर माइनस कितना हो रहा है, 215, तो यानी कि कौन सा नंबर गलत है, 680 गलत है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए भाई, 679 होगा इसकी जगह पे, तो यानी कि 680 क्या है, इसमें से गलत नंबर है जिसको हमने बाहर करना है। क्लियर है बात, तो वैसे ही आसान हो जाता है, जैसे देखा 512 दिमाग में आ गया, अभी 8 का क्यूब होगा, अगला 7 का क्यूब होगा, अगला 6 का क्यूब होगा। क्लियर है जी, राइट, अगले सवाल पे आते हैं। अगली सीरीज है आपकी 320, 458, 573, 665, 735, 780 and 803। क्लियर है, चेक करते हैं भाई, ऑप्शन है 458, 573, 665, 735 और 803। क्लियर है, अब मुझे फिर चेक करना है कौन सा नंबर गलत है। अब आप ध्यान से देखोगे, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज है, इंक्रीज है, इंक्रीज है, इंक्रीज है, और बिल्कुल इंक्रीज होती हुई सीरीज है। अब डेफिनेटली इंक्रीज है तो डिफरेंस के ऊपर काम करें, क्योंकि नंबर के बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा कम है, तो चेक करता हूँ इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई। यहाँ पर आ गया 8, इधर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1, 138। चलो अभी नहीं पता 138 क्या पैटर्न फॉलो करता है, यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक करूँगा, इधर आ जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5, इधर आ गया 1, इधर आ गया 1, 115। भाई अब कुछ समझ में आ जाएगा, एक और चेक कर लेते हैं कि देखो और क्लियर हो जाएगी पिक्चर की क्या बन रहा है। 5 में से 3 जाएगा 2, 657 में कितने का अंतर है, 92 का, यानी कि दोनों आ गया 138, 115, 92। क्लियरली आपको मालूम होना चाहिए कि ये पैटर्न किसके ऊपर फॉलो हो रहा है, टेबल के ऊपर चल रहा है। किसका टेबल चल रहा है भाई, 23 का टेबल चल रहा है, यानी कि 138 कैसे बनेगा, 23 × 6, ये क्या होगा, 23 × 5, ये क्या होगा, 23 × 4, तो डेफिनेटली अगला भी क्या होना चाहिए, 23 × 3 होना चाहिए, यानी कि 23 × 3, यानी कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 69 का डिफरेंस होना चाहिए। क्या ये 69 का डिफरेंस फॉलो हो रहा है यहाँ पर, 665, 69 को माइनस अगर करता हूँ तो 15 में से 9 जाएगा, कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 यानी कि यहाँ पर ये नंबर गलत है, राइट, ये नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, 665 आपका नंबर बिल्कुल ही सही है, गलत नंबर क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, 735, क्यों, अच्छा देखो एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन है, इसमें ऐड करा तो 665 में अगर 69 को ऐड करता हूँ तो 5 और 9 = 4 होता है यहाँ पर, तो इसकी जगह पे कितना आना चाहिए, 734 आना चाहिए, कितना है, 735, यानी कि रॉन्ग नंबर कौन सा है इसमें से, 735 इज द रॉन्ग वन। क्लियर है, टेबल के ऊपर देखो, मैंने कहा था शुरू में ही कि आपको पहाड़े बिल्कुल आने चाहिए,
23 का टेबल अगर आता होता तो बिल्कुल इसके ऊपर काम कर सकते थे बहुत ही आराम से। अगले चेक करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो यही गलत हो गया। जैसे देखो एक और, जैसे अगर मैं एक और नंबर लूं 225 1249 2149 2933 3610 4185 और 4669। क्लियर है? 225 1200 1249 2149 2933 3610 4185 और 4669। ऑप्शन है आपके पास 225 1249 2149 3610 और आएगा 4669। चेक करेंगे भी फिर से इसको। अगेन देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, हमारा काम ये। तो रॉन्ग वन सीरीज में कभी भी कोई भी टिपिकल पैटर्न नहीं आता है, पैटर्न सभी के सभी बहुत ही आसान होते हैं और बड़े ही आराम से ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस चेक करता हूँ तो कितने का बन रहा है भाई, चेक करूंगा, इधर आएगा 4, इधर आएगा 2, इधर आएगा 10, 1024 बिल्कुल सही है भाई। इधर आ गया 0, इधर आ गया 0, इधर आ गया 900। देखो नजर आ जाना चाहिए भाई क्या चल रहा है। 1024 किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। 900 किसका स्क्वायर होता है, यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर चल रहा है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 32 30। अगला क्या बनेगा भाई, 28 का स्क्वायर कितना होना चाहिए भाई, 784। चेक करो क्या 784 का डिफरेंस है या नहीं है। 13 में से 9 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 28 में से 21 गया 7, यानी कि 784 डन हुआ। एक और अगला भी चेक करना पड़ेगा भाई हमको। अगर मैं अगला चेक करता हूँ तो अगला क्या होना चाहिए भाई, 28 है तो अगला क्या होना चाहिए, 26 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 676। 10 में से 3 गया 7, गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पर, राइट है। तो कौन सा नंबर गलत नजर आ रहा है यहाँ पर भाई, क्लियर है, 3610 सही नहीं बैठ रहा है पैटर्न पे। क्यों नहीं बैठ रहा है, देखो अगेन 2933 क्या ऑप्शन में है, वैसे अच्छी बात है ऑप्शन में नहीं है, तो अगर होता तो मुझे मालूम है आप इसी के ऊपर काम करके आते, नहीं ये तो सही आ रहा है, यानी कि यहाँ से इधर पहुंचा, ये भी नंबर सही होना चाहिए, यहाँ पर नंबर गलत है, यानी कि 3610 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर कितना होना चाहिए भाई, 3609 होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा, 26 का स्क्वायर बनेगा सही से, 9 में से 3 गया 6, 7 और यहाँ पर 6, क्लियर है। तो 3610 की जगह कितना आना चाहिए, 3609 विल बी द राइट, यानी कि गलत कौन सा नंबर है, 3610 गलत है भाई यहाँ पर, उसकी जगह पे क्या आएगा, 3609 आएगा भाई। डन है जी बात सभी को, डन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बस, भाई बहुत ही कॉमन पैटर्न है, जैसे 47040 5880 840 140 28 और 6। ऑप्शन है 840 140 6 47040 28। क्लियर है? कैसे काम करेंगे भाई? अगेन देखो बहुत ही तेजी से घट रही है सीरीज, यानी कि डिवीजन है, क्लियरली शुरू में ही बताया था बहुत ही तेजी से नंबर सीरीज घटती है, समझ लीजिएगा उसमें डिवीजन पे काम हो रहा है। क्लियरली भाई कोई भी नंबर उठा लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए, जैसे
यहां से यहां पहुंचना, यहां से या यहां से, ये देखो अगर मैं इन दोनों को चेक करता हूं वैसे ही मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। 140 है, 28 है भाई, कितने से डिवाइड करके बनेगा भाई, 5 से डिवाइड करके बनेगा। 140 को 5 से 28 इंटू 5 कितना होता है, 140 होता है। डेफिनेटली चेक करोगे ये डिवाइड बाय 6 होना चाहिए, 840 डिवाइड बाय 6 कितना, 140 होता है पक्का। ये डिवाइड बाय 7 होगा पक्का, ये डिवाइड बाय 8 होगा भाई, 8 पंजे 40, 7 8 8 64, बिल्कुल सही है भाई। तो 8 7 6 5 अगला क्या होना चाहिए भाई, डिवाइड बाय 4 होना चाहिए। तो 28 को 4 से भाग करूंगा तो कितना होगा, 7 होगा, बट यहां पर कितना है, 6 है। तो कौन सा नंबर गलत है भाई, 6 आपका गलत हुआ भाई। डन है जी बात, सभी को क्लियर है, डन। उम्मीद है आज मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं और जो भी पैटर्न डिस्कस करवाए हैं आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लेरिकल के माध्यम में, यानी कि क्लेरिकल के रेस्पेक्ट में, आप सबको समझ में आ गए होंगे, राइट। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं, जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे चैनल एड्यू एमिराल्ड पे, राइट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।